Hi everyone, once again welcome to our channel Current Affairs Colleen. This is Lovely and you are watching One World Substitution Next series. So chaliye start karte hain. First hai a style of cooking food characteristic of a particular country or region. Kisi bhi ek particular country ya kisi ek region mein jo cooking ka style hai वहाँ का जो ट्रेडिशन है जिसके अकॉर्डिंग कुक किया जाता है उसे कहते हैं कुजीन कुजीन ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. जैसे कि यदि हम इंडिया के किसी स्टेट की बात करें तो किसी भी स्टेट को ले लें जैसे वेस्ट बंगाल तो वो वेस्ट बंगाल क्यूजीन हो जाता है. यदि कंट्री लेवल पे बात करें तो इंडिया में क्या हो जाएगा इंडियन क्यूजीन. तो इसे कहते हैं भोजन. सेंटेंस है द क्यूजीन ऑफ जापान इज लो इन फैट. जो जापान का क्यूजीन है वो फैट में लो होता है. नेक्स्ट है गिल्टी ऑफ द क्राइम. क्राइम के लिए गिल्टी मानना यानी कि कल्पेबल आपराधिक वो आपराधिक है. दे हेल्ड हर कल्पेबल फॉर द एक्सीडेंट. उसने एक्सीडेंट के लिए उसे क्या माना आपराधिक माना. नेक्स्ट है ऑल द आर्ट्स बिलीव्स एंड सोशल इंस्टीट्यूशन एक्सेट्रा. जो भी आर्ट्स हैं बिलीव है या सोशल इंस्टीट्यूशन है तो इसे कहते हैं कल्चर संस्कृति. टूरिस्ट हु कम टू वेनिस इन सर्च ऑफ कल्चर. कल्चर के सर्च में टूरिस्ट कहाँ गए वेनिस. नेक्स्ट है अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूजियम. एक म्यूजियम के लिए किसी पर्सन को इंचार्ज रखा गया है उसे कहते हैं क्यूरेटर संग्रहालय अध्यक्ष. सी इज अ क्यूरेटर एट द इजिप्टियन म्यूजियम. इजिप्टियन म्यूजियम में उसे क्या रखा गया है संग्रहालय अध्यक्ष. नेक्स्ट है सिग्नल अंडर मार्शल लॉ फॉर पीपल टू रिमेन इनडोर्स. मार्शल लॉ के तहत सिग्नल दिया गया है कि लोगों को घर के अंदर रहना है उसे कहते हैं कर्फ्यू निषेधाज्ञा. दे हैड टू रिटर्न बिफोर द कर्फ्यू साउंड. उसे कर्फ्यू लगने से पहले ही क्या होना है वापस आना है. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग डिजायर टू नो और लर्न समथिंग. किसी भी चीज़ को जानने की और सीखने की जो इच्छा होती है उसे कहते हैं क्यूरियोसिटी जिज्ञासा. आई गेव इन टू क्यूरियोसिटी एंड स्टार्ट रीडिंग द डायरी. मैं क्यूरियोसिटी में गई और डायरी को रीड करना स्टार्ट कर दिया. नेक्स्ट है द सिस्टम ऑफ मनी यूज इन अ पर्टिकुलर कंट्री. एक कंट्री में जिस मनी को यूज़ किया जाता है जिस मनी के सिस्टम को यूज़ किया जाता है उसे कहते हैं करेंसी मुद्रा. टूरिज्म इज द कंट्रीज टॉप अर्नर ऑफ फॉरेन करेंसी. फॉरेन करेंसी अर्निंग का जो टूरिज्म है वो क्या है टॉप अर्नर है टॉप सोर्स. नेक्स्ट है द एक्सप्रेशन ऑफ अ विश. इच्छा का जो एक एक्सप्रेशन है डैड मिसफॉर्चून और डूम बिफॉल अ पर्सन. तो ये मिसफॉर्चून हो जाता है या डूम बिफॉल कर जाता है तो उसे कहते हैं कर्स कोसना. इम्पेशेंस इज द कर्स ऑफ आवर डे एंड एज. अभी का जो टाइम है और एज है उसमें इम्पेशेंट क्या है एक तरह से कोसना. नेक्स्ट है वन हु स्नीज एट द एम एंड बिलीव बिलीव्स ऑफ हिज फेलो मैन. फेलो मैन के बिलीव्स और एम्स पे स्नीज करना यानी कि निंदक साइनिक. ही इज टू मच ऑफ अ साइनिक टू सी द बेनिफिट्स ऑफ मैरिज. मैरिज के बेनिफिट्स को वो क्या देख रहा है एक तरह से निंदक की तरह देख रहा है बहुत ज़्यादा. नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ डॉग्स. कुत्तों से असाधारण भय तो उसे कहते हैं साइनोफोबिया. साइनो यहाँ पे वर्ड है और वो किस चीज़ के लिए यूज हुआ है डॉग्स के लिए. साइनोफोबिया इज अ कॉमन फियर ऑफ डॉग डैट अफेक्ट मैनी पीपल. बहुत सारे लोगों को ये चीज़ अफेक्ट करता है जो कि क्या है साइनोफोबिया. तो ये आज का लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था. आई होप आज का वीडियो आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ है. तो जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि जैसे ही नई वीडियो डलती है सबसे पहले आपके पास पहुँचे. एंड आज के जितने भी वर्ड्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में डालिएगा जिससे क्या होगा इन वर्ड्स को आप लोग अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ. तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.